ओम शांति। और दादी तो इतना करती थी जो बात मत पूछो। और दादी के अंदर बहुत विशेषताएं थी। दादी नष्टो मोहा थी, प्यार भी था तो नष्टो मोहा भी थी, बैलेंस था। अगर दादी गंभीर थी तो रमणीक भी बहुत थी। दादी के अंदर बहुत रमणीकता थी। एक बार हम लोग कहीं जा रहे थे, शायद उदयपुर घूमने, बस में जा रहे थे। दादी ने कहा चलो चलो सबको घुमा के लाते हैं, उदयपुर बहुत अच्छा है, दिखा के लाते हैं। उस समय बस में दादी दो बसें गई, कभी एक बस में बैठती थी भाइयों के बस में, कभी बहनों के बस में, और सबको खूब बहलाते, खिलाते, हंसाते, गीत गाते, अंतराक्षरी करवाते। दादी आते और जाते सब को इतना रमणीक कर दिया कि सफ़र सफ़र ही नहीं लगा। और हर कोई चाहे बस दादी मेरे बस में बैठे, मेरे बस में बैठे, मेरे साथ बैठे। लेकिन दादी ने दोनों बस वालों को बहुत संतुष्ट किया, बहुत खुश किया। इस तरह कभी कभी दादी कहती थी चलो बारिश का दिन आ गया, आज गुरु शिखर चलते हैं। और गुरु शिखर में पानी बरसता होता था, सब भीगते रहते थे। दादी मिर्च की पकौड़ी बनवा के, चटनी बनवा के ले जाते थे और बारिश में सबको पत्तल धोने में देते थे। भीग भीग करके अपने हाथों से दादी खिलाती थी, खाओ खाओ, पिकनिक करो, देखो बारिश के दिन है, यही तो मौज है पकौड़ी खाने की। इतना दादी सबको घुमाती थी, बहलाती थी, सब कुछ करती थी। तो दादी की बहुत सारी विशेषताएं थी कि कैसे दादी सबको बहलाते हुए और ले जाती थी।